बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के रामटेक लोकसभा सह संपर्क प्रमुख उत्तम कापसे के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के प्रतिमा का दहन किया गया। शिवसेना को छोड़ सरकार में शामिल हुए शिवसेना के बागी विधायक पात्र या अपात्र इसका निर्णय लेने का अधिकार न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कुछ दिशा निर्देश देकर प्रदान किए थे, पर नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरफा निर्णय लेकर सभी बागी विधायकों को पात्र घोषित कर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे शिवसेना को देने से आहत हुए उद्धव बाला साहेब शिवसेना के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त होकर जगह जगह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का पुतला तथा प्रतिमाएं फूकी जा रही है। 11 जनवरी 2024 को उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के रामटेक लोकसभा सह संपर्क प्रमुख उत्तम कापसे के नेतृत्व में असंख्य कार्यकर्ताओं ने शहर के राजकमल चौक से गांधी चौक तक रैली निकालकर महात्मा गांधी के पुतले को माल्यार्पण कर नार्वेकर मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी आदि नारों के साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के प्रतिमा को जूते से पीटकर उस प्रतिमा का दहन कर अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर कपिल पांडे शहर प्रमुख, रुक्षित भौतकर विधानसभा प्रमुख, प्रशांत कामुने उप तालुका प्रमुख, प्रफुल्ल नारनवरे ऋषभ राउत उप तालुका प्रमुख, जॉन जाफरी शहर प्रमुख, देवेंद्र बहुरे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दरमियान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से कुछ देर यातायात प्रभावित हुई, जिससे स्थानीय पुलिस द्वारा वाहनों का आवागमन सुचारू किया। महाराष्ट्र की जनता जानती है और जनते को ये मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। ये सब चल रहा है हुकुमशाही का राज, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसके ऊपर में एक ही जो है उसमें से ना कोई उसकी अने बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसमें से एक भी विचार करके उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। अपना हुकुमशाही के आदेश से उन्होंने अपना ये किया है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने भी बनाया है और किसी ने बना के वो पढ़ा है उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि उनके भी इसमें वो समझ में आया करके। कल उद्धव साहब का जब भाषण सुना, उद्धव साहब ने बोला है कि इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की और शिवसेना के क्या हालात है अभी? शिवसेना ने अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। माननीय उद्धव साहब ने भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश दिया है और आदेश ये दिया है कि कोई किसी को हिंसा ना होते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करो। एनबीसी न्यूज के लिए सामने से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।